अथ सप्तदशो अध्याय महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत उवाच तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत दंडहस्तम च वृषलम ददृशे नृपलांछनम। सूत जी कहते हैं शौनक जी वहाँ पहुँचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था, उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आँखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, तीन पैर ना होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, बतलाइए आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है, इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आँखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धैन पुत्र अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गोमाता मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है उस मतवाले राजा की कीर्ति आयु ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें, यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूँगा। सुरभिनंदन आप तो चार पैर वाले जीव हैं, आपके तीन पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ आपका कल्याण हो, बताइए आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है उसे चाहे वह कहीं भी रहे मेरा भय अवश्य होगा, दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूँगा। बिना आपत्तिकाल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं।
कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इसमें कौन सा मत ठीक है यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुंगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्ययुग में आपके चार चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से तीन चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राश सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभाग्नि के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही दे डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथी, इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी ना ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञविद के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्दत, हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कलि ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूँ। सूत जी कहते हैं,
कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे चार स्थान दिए, दूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये चार प्रकार के धर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण धन दिया। इस प्रकार कलयुग के पांच स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं पांच स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलि उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्मकल्याणकामी पुरुष को इन पांचों स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान हैं। अभिमन्युनंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं, जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। 43 से 45 तक के श्लोकों में महाराज परीक्षित का वर्तमान के समान वर्णन किया गया है। वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा इस पाणिन सूत्र के अनुसार वर्तमान के निकटवर्ती भूत और भविष्य के लिए भी वर्तमान का प्रयोग किया जा सकता है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी टीका में लिखा है कि यद्यपि परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमान के समान ही विद्यमान थे। उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उनकी दूरी यहाँ मिटा दी गई है। उन्हें भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया था, इसलिए भी सूत जी को वे अपने सम्मुख ही दिख रहे हैं। न केवल उन्हीं को बल्कि सबको इस बात की प्रतीत हो रही है। आत्मा वै जायते पुत्र, इस श्रुति के अनुसार जन्मेजय के रूप में भी वही राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इन सब कारणों से वर्तमान के रूप में उनका वर्णन भी कथा के रस को पुष्ट ही करता है। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंधे कल निग्रहो नाम सप्तदशो अध्याय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।